वाराणसी की ज्ञान वापी में दूसरे दिन गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे, कल भी जारी रहेगी वीडियोग्राफी। पुरुष बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार थॉमस कप पर किया कब्जा। भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीता थॉमस कप, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करके दी बधाई। ऐतिहासिक जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, 1 करोड़ के नकद इनाम का अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाराणसी की ज्ञान व्यापी में दूसरे दिन गुंबद पश्चिमी दीवार का हुआ सर्वे, कल भी जारी रहेगा ज्ञान व्यापी में वीडियोग्राफी का काम। कल भी स्थिति करी, कल भी रह जाए लगभग कल आठ बजे समय रहेगा, 1.5-2 घंटे 12 बजे तक जो कोर्ट का आदेश है उसी आदेश पर होगा, 12 बजे तक किया जाएगा। कल भी स्थिति दूसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्षकारों का दावा, अब तक जो मिला उससे दावे हमारे और मजबूत हुए और हम सही दिशा में हैं। और ये एक साक्ष्य कलेक्ट करने की एक्सरसाइज है जो एडवोकेट कमिश्नर की अध्यक्षता में चल रही है, और मुझे लगता है जितनी बातें हमने अपने दावे में कही थी काफी हद तक सारी चीजें मिलेंगी, सच साबित हो रही। हिंदू पक्ष के दावे पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कुछ भी कहने से इनकार किया, कहा अदालत में रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काशी मथुरा विवाद को नेहरू से जोड़ा, बोले उनके तुष्टीकरण की नीति के कारण से विवाद। केवल काशी मथुरा अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे पर ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, बिना नाम लिए कहा वो करते हैं भ्रम और भय की राजनीति। भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। वाराणसी में सर्वे के दूसरे दिन सुरक्षा के भारी इंतजाम, रविवार को विश्वनाथ दर्शन के लिए जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ का रखा गया विशेष ध्यान। उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिन के चिंतन शिविर का समापन, अंतिम दिन राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मेरी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से। राहुल ने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, कहा शॉर्टकट नहीं पसीने से खड़ी होगी पार्टी। चिंतन शिविर में सोनिया का ऐलान, 2 अक्टूबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी टू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा बिगिनिंग ऑन गांधी जयंती। कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग से बनेगी कमेटी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य मुद्दों की तय करेंगे रूपरेखा। महाराष्ट्र के गोरेगांव की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर साधा निशाना, बीजेपी नेताओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। आम्ही 5 स्टार च राजकारण नाही केलं, जमिनीवरचं राजकारण केलंय। फडणवीस ने उद्धव की सभा को बताया कौरवों की सभा, भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था तक पर उठाए सवाल। नवनीत राणा ने फिर उद्धव को घेरा, कहा महाराष्ट्र में मातोश्री के लिए वसूली का हो रहा है काम। कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ तो
तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ, इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए। त्रिपुरा में डॉक्टर माणिक साहा ने संभाली कमान, मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। चैलेंज 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 ये सब बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ और चैलेंज मुकाबला भी किया हूँ, तो इस बार जो दायित्व दिया है तो अगर चैलेंज है तो उस हिसाब से काम करेंगे। गुजरात में बीजेपी का दो दिन का चिंतन शिविर, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ने लिया हिस्सा। अहमदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति, महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर बात, कल भी होगा मंथन। हार्दिक पटेल ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और दिग्गज दिवंगत बीजेपी नेता भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, ट्वीट में अंत्योदय मिशन की तारीफ की। केरल में भी केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, 2020 पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का होगा गठबंधन। रेप केस में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित को गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस, लेकिन नहीं हो सकी गिरफ्तारी। बेटे पर लगे रेप के आरोप पर बोले मंत्री महेश जोशी, कानून पर मुझे विश्वास, पूछताछ में पुलिस को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मेरे को जितनी मीडिया से जानकारी होती है, और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, कृपा करके मीडिया ट्रायल नहीं करें। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस पर पुलिस का छापा, राज्यपाल ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन में दो भाग, राकेश टिकैत गुट से अलग हुए बीकेयू के नेता, यूपी एमपी उत्तराखंड के किसानों का निर्णय। बीकेयू में बगावत पर बोले राकेश टिकैत, कुछ लोगों के जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, बाकी नेताओं को किया बर्खास्त। क्या पता 13 महीने जिन्होंने बिल का समर्थन करा, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जाते रहे, वहां पर लंगर भंडारे चलाते रहे, आज भी उनका बिल को बढ़िया बताया। लखीमपुर खीरी में अतिक्रमण हटा रहे बुलडोजर से टूटा दुकानदार का पैर, अखिलेश ने किया ट्वीट, योगी सरकार पर साधा निशान। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर केजरीवाल ने सोमवार सुबह 11 बजे बुलाई बैठक, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से करेंगे बात। यूपी डीजीपी को हटाए जाने पर बोले अखिलेश, कहा उनका चयन करने वाले भी दोषी। गोरखपुर को 143 करोड़ की योजनाओं का सीएम योगी ने दिया तोहफा, दो दिन के दौरे पर सीएम। हरियाणा के सीएम खट्टर ने 334 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया, कहा गेहूं का निर्यात बढ़कर 10 दिन के लिए फिर खोल दी जाएंगी मंडियां। सीहोर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान। अंतरात्मा से कह रहा हूं, मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। पठानकोट के जैदपुर पोस्ट पर बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी घुसपैठिया, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर देखा गया ड्रोन, फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ भागा। पुलवामा में आतंकवादी हमला, सीआरपीएफ की गश्ती टीम पर फायरिंग। पुलवामा शोपिया को जोड़ने वाले पुल पर हुआ हमला, मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक को गोली लगी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, आतंकी फरार। कटरा की त्रिकुटा पहाड़ी पर जंगल में लगी आग, हालांकि यात्रा पर कोई असर नहीं। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर मचाया उत्पात, 3 जेसीबी समेत कई वाहन जलाए। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, बांग्लादेशी बैंकों से 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के मुद्दे पर उपराज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। सीकर में राजस्थान शिक्षक संघ का राज्यव्यापी आंदोलन, 18 मई को उठाएंगे आवाज। बिहार के बीपीएससी पेपर लीक मामले में 4 गिरफ्तार, कृषि विभाग का एक क्लर्क भी गिरफ्तार। दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के पार, मंगेशपुर इलाके में 49.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान के 10 जिलों में भीषण लू, कल फिर धूल भरी आंधी के आसार, रेड अलर्ट जारी। जोधपुर में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल, मशीनों से पानी का किया जा रहा है सड़कों पर छिड़काव। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान ने किया परेशान, गुना में हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। असम के जोरहाट में भीमा हसाओ के कई इलाकों में आई बाढ़, फंसे लोगों का रेस्क्यू।
बिहार के सहरसा में एसबीआई बैंक के लॉकर से करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी में चार गिरफ्तार, सोने और 4.5 लाख नेपाली करेंसी जब्त। कुल सोना अभी तक जो हम लोगों ने बरामद किया है वो 1 किलो 128 ग्राम .640 है, साथ में 4,49,500 नेपाली करेंसी भी है। बिहार के गोपालगंज में भूमि विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी, वीडियो वायरल। बीकानेर में वन क्षेत्र में आग लगी, 2.5 किलोमीटर क्षेत्र को आग ने अपनी चपेट में लिया। बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार, एक डॉक्टर की हत्या में था शामिल। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व का वीडियो वायरल, बाइक सवारों का पीछा करते दिखा भाग। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में घरेलू सिलेंडर में धमाका, कई लोग घायल। बिहार के समस्तीपुर में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, लाठी डंडे चले। अमरोहा में बाल काटने वाले शख्स ने ग्राहक की कैंची मारकर हत्या कर दी और फरार हुआ। बाड़मेर के गांव में मिला संदिग्ध अवस्था में शव, परिवार को हत्या की आशंका। समस्तीपुर में अपराधियों ने बालू गिट्टी के व्यापारी को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती, हमलावर फरार, स्थिति गंभीर। राजस्थान के सिरोही में ट्रेलर ने 6 लोगों की जान ले ली, कार से हुई थी इसकी टक्कर। भदोही में गंगा में डूबे 4 लड़के, 3 शव बरामद, 4था लापता। यूपी के हाथरस में एनकाउंटर, 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। बिहार के बगहा के डुमरी गांव में पेड़ से लटकी मिली युवती की लाश, दिव्यांग पिता की इकलौती सहारा थी बच्ची। हरियाणा के करनाल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कार के उड़े परखच। मेवात के बिछौरा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की, गम में डूबा पूरा गांव। फरुखाबाद में 7 सतूरी गिरफ्तार, नकदी बरामद। नोएडा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा, आरोपी बेटे और पत्नी के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी महिला और शार्प शूटर की है तलाश। नोएडा में ऑल्टो पर पलटा टैंकर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा की बसर पुलिस ने 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया, सोसाइटी में घुसकर नहाती हुई महिलाओं की बनाता था वीडियोस। बिहार में नशे की खेप का भंडाफोड़, बाजार में 65 लाख रुपए इसकी कीमत। चंपावत में 40 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद, उपचुनाव के कारण यहां आचार संहिता है। बिहार के औरंगाबाद में बारातियों से भरी कार नदी में गिरी, झारखंड के 5 लोगों की मौत। उधम सिंह नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 18 से ज्यादा लड़कियां पकड़ी गई। आईपीएल के पहले मुकाबले में गुजरात ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 134 रनों का लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज रिद्वान साहा, 67 नाबाद रन बनाकर जीत दिलाई। चेन्नई पर जीत के बाद आईपीएल में नंबर 1 पर बरकरार गुजरात की टीम, 9वें नंबर पर धोनी की टीम। आईपीएल के दूसरे मैच में आमने सामने लखनऊ और राजस्थान की टीमें, टॉस जीतकर राजस्थान पहले कर रहा है बल्लेबाजी। लखनऊ के दास टॉप 2 में जगह पक्का करने का मौका, 16 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है लखनऊ की टीम।